गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 8 एरे एंड स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे। इससे पहले जो क्लास में हम लोग पढ़े थे टू मैट्रिक्स का क्या कहते हैं सम, आज क्या करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ये दो मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये दोनों के बीच में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो इसका रो और इसका कॉलम, तो इसका रो तो 2 × 6, क्लियर है, प्लस 2 × 6 प्लस 3 × 8, तो इसका रो इसका कॉलम तो 2 × 6 प्लस 3 × 8 ये हो गया। इसका रो इसका कॉलम, तो इसका रो इसका कॉलम दोनों कॉलम पहले यूज हो जाता है, तो 2 × 7 प्लस 3 × 9, इसका रो इसका कॉलम, तो 2 × 6 प्लस 3 × 8, तो इसका रो इसका कॉलम, इसका रो तो 2 × 7, इसका रो इसका कॉलम तो 2 × 7 प्लस 3 × 9। उसी तरह से इसका रो इसका कॉलम तो 4 × 6 प्लस 4 × 6 प्लस 5 × 8, फिर 4 × 7 इसका रो इसका कॉलम तो 4 × 7 प्लस 5 × 9, डेट इज तो 6 × 12 और 8 × 24, 4 × 2 = 2, 1 = 3। उसी तरह से 7 × 14, 9 × 3 = 27, 7 × 11 = 1, 8 × 1 = 2, 1 = 3, 1 = 4, 6 × 24, 8 × 40, 4 और यहाँ पे 4 × 6, 7 × 28 और 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 13, 4 × 6 = 7। तो क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या टू मैट्रिक्स लेना, उसको क्या करना प्रोडक्ट करना है इसका रो इसका कॉलम के साथ, और क्या करना उसका रिजल्ट को दिखाना है। तो आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम, इन सी प्लस प्लस टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो पहला क्या है, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, यह मान ले रहे हैं। आप कुछ भी इसमें से क्या कर सकते, ले सकते बाय इनिशियलाइजेशन मेथड। तो इनिशियलाइजेशन मेथड से क्या करना है, दोनों का वैल्यू ले लेना है, उसके बाद क्या करना है कैलकुलेट करना और क्या करना दिखाना है। तो पहले ये दोनों का मान लेते हैं, तो प्रोग्राम में हैशटैग इंक्लूड iostream.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, void main, तो सबसे पहले क्या एक एरे ले रहे हैं, क्या है इसका नाम क्या रखनी है, ए इसका नाम क्या है बी, तो ए और यहाँ 2 × 2, दो रो दो कॉलम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, क्या क्या है 2, 3 और फिर क्या है 4, 5, इस तरह से ए इनिशियलाइज हो गया, क्या है बी, तो आईएनटी बी 2 × 2 और क्या है 6, 7, फिर क्या है 8, 9, 8, 9 और एक एरे और क्या ले रहे हैं सी, ये भी क्या है 2 × 2, ए बी सी ये है, ये तो इसी को यहाँ दिखा रहे हैं डेटिस करके। तो यहाँ पे क्या है 2 × 2 और यहाँ पे आई जे दो लूप चलेगा,
तो आई तो समझ में आ रहा है कि आई यहाँ रो के लिए, कॉलम यहाँ जे के लिए, लेकिन यहाँ कंसेप्ट क्या है कि इसका रो हो जाता है इसका कॉलम, मीन्स इसका रो और इसका कॉलम, ये कॉलम को जो बदलता है, यहाँ पे कॉलम जो बना दे रहा है यहाँ किसके हेल्प से, के हेल्प से। क्लियर है? अब क्या करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। तो जीरो से कहाँ तक चलेगा वन, जीरो से कहाँ तक वन, जे का जे भी कहाँ से चलेगा, जीरो से कहाँ तक वन तक, और यहाँ जे सी आई जे कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे जिसको कितना मानना है, जीरो, कितना मान लेते हैं, जीरो। और इसी के अंदर एक यहाँ पे के लूप चलाएंगे, यहाँ के लिए है ना, तो के ये भी कहाँ तक, सब कहाँ तक चला, वन तक, जीरो से वन तक, जीरो से ये भी कहाँ तक चलेगा, वन तक। इसका जो मेन जो फार्मूला है, इसका जो मेन फार्मूला है क्या है, सी आई जे, सी आई जे प्लस प्लस ए आई के इंटू, और यहाँ पे बी के जे, बस थोड़ा सा यही याद रखना है आपको। इसका फॉर्मूला क्या है, सी बराबर सी प्लस ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का, उसमें क्या था सम में क्या था, इजी था, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देते थे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या होता है कि इसमें इसमें उसमें फेस टू फेस यहाँ पे क्या जोड़ते थे, लेकिन इसमें क्या, इसका रो इसका कॉलम, कॉलम चेंज हो जाता है किसके कारण, के कारण, इसकी इसलिए इसका फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। इसका फार्मूला क्या है, सी बराबर सी प्लस ए इंटू बी, बस याद रखना है सी आई जे, सी आई जे और ए आई के, और यहाँ पे बी के जे, बस इतना ही याद रखना है। और ये लिख सकते हैं, इसका खुला बंद हुआ, इसका खुला बंद हो रहा है और इसका खुला बंद हो रहा है, इतना दूर होने के बाद ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कहाँ पे, सी में, तो जीरो वन, जीरो वन, इधर से जीरो, इधर से जीरो, इधर से जीरो, इधर से वन, इधर से वन, इधर से जीरो, इधर से वन, इधर से जी वन, इतना तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है, जीरो जीरो घर, ये क्या है, जीरो वन घर। क्लियर यहाँ तक? तो अगर और अगर यहाँ डिटेल करना चाहें तो इसी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड में स्पेस नहीं है ड्राई रन करने के लिए, ड्राई रन करने के लिए अभी स्पेस नहीं है, इसी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये भी दिया हुआ है, ये क्या है, यहाँ तक दिया हुआ है ये, और क्या है बी, तो टू थ्री फोर फाइव था, और यहाँ सिक्स सेवन एट नाइन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, दोनों में इंटू करना, और कहाँ रखना है, सी में, तो ये सी है, ये क्या है बी है, ये क्या है ए, तो इधर से जीरो जीरो, ये क्या है इधर से जीरो, इधर से वन, ये वन, और इधर से जीरो, और इधर से वन, इधर से वन, पोजिशन तो समझ में आ रहा है, उसी तरह से इधर से जीरो, इधर से जीरो, इधर से जीरो, इधर से जीरो, इधर से वन, और इधर से वन, इधर से जीरो, और इधर से वन, इधर से वन, ये पोजिशन है, क्योंकि वहाँ जब चलाएंगे तो ये हिंट करता है, जीरो वन, जीरो वन, जीरो इधर से जीरो, जीरो इधर से वन, इधर से वन, इधर से जीरो, इधर से वन, और इधर से वन। तो हम क्या बताएं, इसका रो चलता है, इसका कॉलम चलता है, और ये कैलकुलेट करके रखते जाता है। ये बताया था ना, इसका टू, इसका रो इसका कॉलम, तो टू इंटू सिक्स, टू इंटू सिक्स प्लस थ्री इंटू एट,
मीन्स 12 और यहाँ कितना 24, टोटल कितना 36, यहाँ पे 36 आना चाहिए पहला बार जब चला रहे हैं तो इसका रो इसका कॉलम के अनुसार। तो फर्स्ट के बाद क्या सेकंड, सेकंड के बाद क्या थर्ड, थर्ड ये पूरा कंप्लीट चला लेना है तब फोर जाना है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पूरा चलेगा तब यहाँ जाएंगे। अब इसमें भी ए बी सी, सी मतलब ये पूरा चला चला लेंगे तब कहाँ पे जाएंगे डी में। अब इसमें भी देख लीजिए कैसे कैसे चल रहा है, सो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड मतलब ये पूरा चला लेना है तब कहाँ जाना है फोर्थ में। अब इसके अंदर आएंगे तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी मतलब इसका ब्रेसेस है यहाँ तक, तो इसके पूरा चला लेना है तब कहाँ जाएंगे डी में। अब जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ये पूरा थर्ड ये पूरा चलेगा तब कहाँ जाएंगे फोर में। तो इस तरह से ये प्रोसेस है और तब जाके ये क्या होगा कैलकुलेट होगा इसका रो इसका कॉलम। तो रो समझ में आ रहा है कि टू और यहाँ इंटू सिक्स, ये रो ये और यहाँ 3 × 8, तो इसका रो हो गया इसका कॉलम हो गया, क्लियर है। तो 2 3 और यहाँ पे 4 8, सॉरी 2 3 और यहाँ क्या है 6 8, इसका रो इसका कॉलम। अब ये जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा और कितना होगा 36 आएगा। चलिए चलाते हैं, तो आई का वैल्यू कितना 0, यहाँ 0 1 से छोटा है सही है नीचे, यहाँ पे आगे थर्ड में जे का वैल्यू 0 है 0 1 से छोटा है सही है नीचे, क्लियर है। तो अभी आई का वैल्यू कितना है 0 और जे का वैल्यू कितना है 0, दोनों का मान यहाँ पे कितना है 0, मतलब सी आई जे का मान क्या है 0। अब कहाँ पे आ गए ए बी सी, सी में के का मान 0, यहाँ 0 1 से छोटा है सही है नीचे। तो अभी आई जे के तीनों का मान 0 है, तो आई का मान 0 है, जे का भी मान क्या है 0 और के का भी मान क्या है 0। सबसे पहले किधर राइट साइड, तो क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है राइट साइड में सी 0 0 घर, सी 0 0 घर, तो सी का 0 0 का मान अभी कितना मान लिए 0 प्लस ए का 0 0 घर, तो ए का 0 0 घर में कितना है 2 × बी का 0 0 घर, तो बी का 0 0 घर में कितना है 6, क्लियर है। तो 6 × 2 कितना 12, राइट साइड कैलकुलेट होगा तो 6 × 2 = 12 प्लस 0 कितना 12, कहाँ रखना है अभी सी का 0 0 घर में, तो सी का 0 0 घर में, तो सी ये क्या है सी, सी का 0 0 घर में कितना रखना है 12। अभी तक यहाँ तक हुआ, अभी थर्ड थे कहाँ जाएंगे 4, किसका वैल्यू बढ़ाना है के का, तो के का मान 0, 0 से कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 1 बराबर है सही है नीचे। और ये आपका तभी एक्सपीरियंस होगा चलाने का जब आपको पीछे जो बताए हैं वीडियो मैट्रिक्स मतलब क्या है उसमें वैल्यू लेने दिखाने उसको जो चलाने बताएं, अगर आप उसको मन से चलाएंगे तभी ये समझ में आएगा कैसे चल रहा है, नहीं तो नहीं लगेगा, लगे पता नहीं कभी यहाँ जाते कभी यहाँ जाते। तो सब कुछ एक्सपीरियंस पे प्रैक्टिस पे, कितना प्रैक्टिस पीछे किए हैं कैसे ड्राई रन किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं, तो 0 के का वैल्यू 0 से कितना 1, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद कहाँ गए 4, यहाँ से थर्ड में थे ना तो यहाँ पे क्या थर्ड के बाद 4 जाएंगे, किसका वैल्यू बढ़ाना है के का मान 0, 0 से कितना 1, यहाँ कितना 1 बराबर है, तो बराबर है सही नीचे। तो यहाँ पे सिर्फ जो बदला है किसका वैल्यू के का, तो के का मान कितना 1, तो के का मान 1 बदला, इसके अलावा सब कुछ क्या सेम है। इसके बाद क्या है सब कुछ इसके के का वैल्यू 1 बाकी बस सब कुछ क्या सेम है, तो यहाँ पे के का मान सिर्फ क्या 1 बाकी बस सब का मान क्या 0 ही है। अब पहले किधर राइट साइड का मान, पहले किधर का काम होता है राइट साइड, तो सी का 0 0 घर में, सी का 0 0 घर में, सी का 0 0 घर में कितना है 12 12 हो चुका था, प्लस ए का 0 1 घर, ए का 0 1 घर, ए का 0 1 घर में कितना है 3 × बी का 1 0, बी का इधर से 1 इधर से 0 कितना 8, तो ये 12 3 × 8 आ गया
और क्या करना प्लस, तो 8 या 24 और 12, तो 24 से 12 कितना होता है 36, 4 2 6 और यहाँ पे 4 2 6 और यहाँ पे 2 1 3 कितना हो गया टोटल 36, 4 2 6 6 और 2 1 कितना 3, तो इस तरह से टोटल कहाँ पे इधर कैलकुलेट करना है 12 और 24 को कितना 36 कहाँ रखना है सी का 0 0 घर में, तो सी का 0 0 घर में अब फाइनल कितना रखने बोल रहे हैं 36। अब के का वैल्यू 2, यहाँ 2 1 से छोटा बराबर है नहीं, कंडीशन फेल, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। इसका रो, इसका कॉलम, तो अभी इसके साथ हुआ, अब इसके साथ हो, अब किसके साथ होने वाला है 2 3 और यहाँ पे 7 9, तो इसका रो इसका कॉलम, तो 2 × 7 प्लस 2 × 7, 2 × 7 प्लस 3 × 9, तो 2 × 7 प्लस 3 × 9 7 × 14 9 × 27 और यहाँ जोड़ेंगे दोनों के प्लस है ना, तो 7 × 11 हासिल, 2 1 3 कितना 4, इतना आना चाहिए। तो आइए चलाते हैं, तो अभी यहाँ तक ये गलत हो गया, तो अभी कहाँ पे थे हम सी में, कहाँ पे थे सी 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 में थे, सी के बाद कहाँ जाएंगे डी में, किसका वैल्यू बढ़ाना है जे का वैल्यू 0 था, कितना था 0, 0 से बढ़ेगा कितना 1, यहाँ कितना 1, ये सही है नीचे, अब क्या जे का वैल्यू कितना हो गया 1, कितना 0, तो जे का वैल्यू 1 हुआ है, आई का वैल्यू तो अभी नहीं चेंज हुआ, आई का वैल्यू तो 0 ही है, सिर्फ जे का वैल्यू बदला है नीचे। अब ये फिर से चलाएंगे, तो के का वैल्यू कितना 0, यहाँ 0, 1 से छोटा है सही है, तो के का वैल्यू कितना है 0, ये तो समझ में आ रहा है, और जे का वैल्यू 1 हो चुका है, जे का वैल्यू 1 हो चुका है, जहाँ जहाँ जे वहाँ 1 किया, और आई का वैल्यू 0 ही है। अब कैलकुलेट करते हैं, तो सी का 0 पहले राइट साइड, तो सी का 0 1 घर, सी का 0 1 घर में कितना मान रहा है ये 0, कितना माने 0, ए का 0 0 घर, ए का 0 0 0 0 घर में कितना है 2, इंटू बी का 0 1 घर, बी का 0 1 घर, तो बी का इधर से 0 इधर से 1 कितना 7, तो 7 × 2 कितना 14, 14 प्लस 0 कितना 14 ना, कहाँ रखना है सी का 0 1 घर में, सी का 0 1 घर में, 0 1 घर में, तो कितना रखना है 14, तो 2 × 7 ये काम हो गया, 14 आ गया ना, अभी कहाँ 3, 3 से कहाँ जाएंगे 4, किसका वैल्यू बढ़ाना है के का मान 0 से कितना हो जाएगा 1, है कितना 1 बराबर है सही है नीचे, तो के का मान 1, तो किसका वैल्यू सिर्फ बदला है 1 का, सिर्फ किसका वैल्यू बदला है अभी 1 का, तो 1 इधर राइट साइड में काम करना है, तो सी का 0 1 घर में, 0 1 घर में, 0 1 घर में, देख लीजिए सी का 0 1 घर में कितना हो चुका है 14, मतलब इधर हो चुका था ना, प्लस ए का 0 1 घर, ए का 0 1 घर, तो 0 1 कितना 3, बी का 1 1 घर, बी का 1 1 घर, इधर से 1 इधर से 1, 1 1 घर में कितना 9, 3 × 9 आ रही है, तो इधर से 14 इधर 3 × 9 कितना 27, जोड़ दीजिए 7 × 11 हासिल 1, 7 × 11 एक हासिल 1, 2 1 3 कितना 4, टोटल कितना 41, कहाँ रखना है सी का 0 1 घर में, तो सी का 0 1 घर में अब फाइनल कितना रखना है 41, क्लियर है। अब 1 से कितना हो जाएगा 2, 1 से ना ही छोटा ना ही बराबर है, ये 2 जो है के का मान, ना ही 1 से छोटा ना ही बराबर, कंडीशन क्या है फेल, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ अभी। अब कहाँ पे थे सी, सी से कहाँ जाएंगे डी, किसका वैल्यू बढ़ाना है जे का मान 1 से कितना 2, 2 क्या 1 से छोटा ये बराबर है नहीं, ये जो 2 है ना ही 1 से छोटा ना बराबर, कंडीशन फेल। अब ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये गलत हुआ मींस ये कंप्लीट हुआ। अब कहाँ पे थे थर्ड, थर्ड से कहाँ जाएंगे 4, किसका वैल्यू बढ़ाना आई का, आई का मान कितना था 0, 0 से अब जाके 1 कितना मान बढ़ा 1 सही है नीचे, अब 1 लेके आ रहे हैं आई का वैल्यू, और फिर से क्या शुरू से चले गई है,
तो जे का वैल्यू जीरो है, यहाँ जीरो वन से छोटा है, सही नीचे, तो जे का वैल्यू तो जीरो है और आई का वैल्यू अगर कितना लेके आ रहे हैं वन, और यहाँ पे क्या बोल रहा है सी वन जीरो घर में कितना मानना है जीरो, सी का वन जीरो घर में कितना मानना है जीरो, जीरो मान लेना जो पहले मानते थे उसी तरह से। के का वैल्यू जीरो है, जीरो वन से छोटा है सही है, जीरो के वन से छोटा है सही नीचे, तो के का वैल्यू जीरो है। और जे का भी वैल्यू कितना है जीरो है, जे का भी वैल्यू क्या है जीरो, लेकिन आई का वैल्यू कितना लेके आ रहे हैं वन, आई का वैल्यू कितना लेके आ रहे हैं वन, पहले किधर राइट साइड का काम, तो सी का वन जीरो घर, सी का वन जीरो में कितना माने जीरो, सी का वन जीरो घर में कितना माने जीरो, यही माने हैं। ए का वन जीरो घर तो क्या होता है रो और कॉलम, तो अब इसका ये रो का काम हो चुका है, अब ये रो का काम होगा, तो फोर फाइव और यहाँ क्या है सिक्स सेवन, इसका रो इसका कॉलम, तो फोर इंटू सिक्स यही है ना, तो फोर इंटू सिक्स प्लस फाइव इंटू एट, तो फोर इंटू सिक्स प्लस फाइव इंटू सॉरी कितना है ये एट, फाइव इंटू एट, तो छः चक चौबीस, आठ पाँच चालीस, और जोड़ेंगे तो कितना चार, और छः चार दो छः, कितना आएगा सिक्सटी फोर, यहाँ पर कितना आने वाला है सिक्सटी फोर। तो ए का वन जीरो घर, तो ए का वन जीरो घर में कितना है फोर, बी का जीरो जीरो घर, तो बी का जीरो जीरो घर में, जीरो जीरो घर में कितना है सिक्स, तो छः चक चौबीस प्लस जीरो कितना ट्वेंटी फोर, कहाँ रखना है सी का वन जीरो घर में, सी का वन जीरो घर में कितना रखना है ट्वेंटी फोर, ये आ गया। अब के का वैल्यू जीरो से कितना वन, ये थर्ड हो गया, थर्ड के बाद कहाँ जाएंगे फोर, के का वैल्यू बढ़ाएंगे जीरो से कितना वन, जे के का वैल्यू जीरो था वन हो गया, यहाँ कितना वन बराबर है सही है नीचे, तो के का वैल्यू सिर्फ किसका वैल्यू बदल रहा है के का। अब यहाँ पे सी का वन जीरो घर में, सी का वन जीरो, सी का वन जीरो घर में कितना हो चुका है ट्वेंटी फोर हो चुका था ना, वही रखें यहाँ पे। और ए का वन वन घर, ए का वन वन घर, तो वन वन घर में कितना है फाइव, ए का वन वन घर, उसके बाद क्या बोल रहे हैं बी का वन जीरो घर, बी का वन जीरो घर, बी का वन जीरो, इधर से वन इधर से जीरो, ये वन जीरो घर कितना एट, तो ये ट्वेंटी फोर और फाइव इंटू एट कितना फोर्टी, इसका मान हुआ, तो चार और यहाँ पे चार दो कितना छः, कहाँ पे रखना है ये सी का वन जीरो घर में, सी का वन जीरो घर में कितना सिक्सटी फोर, क्लियर है। अब के का वैल्यू कितना है टू, ये जो दो है ना ही वन से छोटा है, छोटा ना बराबर कंडीशन फेल, यहाँ तक फेल हुआ, तो ये फेल हुआ, तो कौन कंप्लीट हो गया सी, सी के बाद कहाँ जाएंगे डी, किसका वैल्यू बढ़ाना है जे का मान कितना था, जे का मान कितना था जीरो, जे का मान कितना था जीरो, जीरो से कितना वन, यहाँ कितना वन बराबर है सही है नीचे, तो जे का मान कितना वन, तो जे का मान वन है और आई का मान वन ही है, तो क्या बोल रहा है सी का वन वन घर में क्या रखी जीरो, सी का वन वन घर में क्या रखना है जीरो। अब ये फिर से चलेगा, तो पहले राइट साइड सी का यहाँ पे क्या है के का वैल्यू जीरो है, जीरो वन से क्या छोटा है सही नीचे, तो के का वैल्यू कितना है जीरो, आई का वैल्यू कितना है वन, और जे का भी वैल्यू कितना हो गया है वन, तो अब क्या बोल रहा है सी का वन वन घर में, सी का वन वन घर में, सी का वन वन घर में कितना कितना मान के रखे हैं जीरो मान के रखे हैं, और ए का वन जीरो घर, तो अब किसको किसके किसके बीच में हो रहा है ये, इसका रो और इसका कॉलम, सॉरी यही ना, इसके साथ तो हो गया, इसका रो इसका कॉलम, तो फोर इंटू फोर फाइव और यहाँ क्या सेवन नाइन, तो फोर इंटू सेवन प्लस फाइव इंटू नाइन, तो सात चक अट्ठाईस और नौ पचे पैंतालीस, आठ पाँच तेरह तीन हासिल एक, चार दो छः कितना, तो सात चक अट्ठाईस और आठ ये क्या नौ पचे पैंतालीस, तो आठ पाँच तेरह तीन हासिल एक और चार दो छः कितना सात, कितना हो गया सेवन थ्री, तो ए का वन वन जीरो घर, तो ए का वन जीरो घर में कितना है फोर, बी का जीरो वन घर, बी का जीरो वन घर, बी का जीरो इधर से जीरो इधर से वन, जीरो वन घर में कितना सेवन, तो सच्चा कितना अट्ठाईस, सच्चा अट्ठाईस यहाँ कितना हो जाएगा अट्ठाईस, तो सच्चा अट्ठाईस आ रहा है, तो कहाँ पे रखना है सी का वन वन घर में, तो सी का वन वन घर में कितना रखना है ट्वेंटी एट,
यहाँ तो हो गया थर्ड, अब कहाँ जाएंगे फोर, किसका बिल बढ़ाना है, जीरो की, के का, तो के का मान जीरो कितना हो जाएगा, वन, यहाँ कितना वन बराबर है सही नीचे, तो सिर्फ किसका वैल्यू बदल रहा है, के का, तो के का मान कितना हो गया वन, तो सी का वन वन घर में, सी का वन वन घर में कितना हो चुका है 28, और ए का वन वन घर में, ए का वन वन घर, ए का वन वन घर में कितना है 5, और बी का वन वन घर में, बी का वन वन घर में कितना है 9, और ये आ रहा है 5 × 9, तो इधर से 28 और 5 × 9 कितना 45, तो 8 × 5 = 13 हासिल 1, और 4 × 2 = 6 कितना 7, कहाँ पे रखना है सी का वन वन घर में, तो सी का वन वन घर में कितना रखना है फाइनल 73। अब 1 से कितना है 2, ये जो 2 है ना ही 1 से छोटा ना ही बराबर, कंडीशन फेल, ये कंप्लीट हुआ। सी के बाद कहाँ जाएंगे डी में, ये 1 से कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2, ये जो 2 है ना ही 1 से छोटा ना ही बराबर, कंडीशन फेल। अब कहाँ पे 3, 3 से कहाँ जाएंगे 4, ये 1 से कितना हो जाएगा 2, और 2 ना ही 1 से छोटा ना बराबर, कंडीशन फेल। इस तरह से ये मैट्रिक्स कैलकुलेशन हो गया। अब फाइनल क्या करना है, दिखाना है, तो एक और ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट होकर कहाँ रखें, सी में, सी का वैल्यू को क्या करना है, दिखा देना है। इसका खुला था, इसका बंद हुआ, इसका खुला बंद हुआ, इसका खुला सो बंद हो गया। अब दिखाने जा रहे हैं सी आउट फाइनल रिजल्ट, तो 0 से 1 या इधर क्या चलता है, रो आई, तो आई इक्वल टू 0 कहाँ तक, 1 तक, फिर जे कहाँ से चलेगा, 0 से 1 तक, और क्या करना है, दिखाना है कौन सा एरे से, सी से, डबल मैट्रिक्स है, पहले यहाँ पे क्या है, ये डबल सब्सक्रिप्ट है, ये रो के लिए, कॉलम के लिए, और यहाँ पे स्पेस देंगे, तो हम लोग पहले भी आउटपुट ये वैल्यू को दिखाने बताए थे पहले, उस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद लाइन तोड़ते थे, एक लाइन दिखाएगा फिर क्या करेगा, तोड़ेगा, तो लाइन तोड़ेगा, उसके बाद इसका खुला बंद हुआ, इसका खुला बंद हुआ, गेट सी एच, तो जो इनिशियलाइज किए पहले भी बताएं, जो आउटपुट किए वो पहले बता चुके हैं, जो इसमें नया क्या था, ये कैसे मैट्रिक्स के बीच में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, तो मेन कंसेप्ट इसको समझना तो ये समझाती हैं, बाकी बात ये सबको हम पहले बताएं, अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो ये बात समझ में आता होगा, नहीं तो पहले पीछे से पढ़ के आइए तब समझ में आएगा। थैंक्स।